देखिए रेस में आगे हैं और गेंदबाज के लिए तैयार गेंदबाज अजय निगुकर देखिए और पहली गेंद की पर देखिए बड़ा हिट खेलने गए हैं फील्डर थे बन गए दर्शक सीधा संस्कृत को देखिए यहां पर स्वागत कर रहा हुआ 6 रन तटीशे न हम अमिताभ न हम दिलीप कुमार न हम किसी हीरो के बच्चे हमें सीधे साधे अक्षय अक्षय घाटगे अक्षय घाटगे के बल्ले से छक्का आया उसके बाद देखिए वाइड का इजाफा गुड कैम टीम देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया देखिए लाजवाब जिम्मेदारी को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए रोहिंजन टीम है रोहिंजन की एक अच्छी आवाज है इस टूर्नामेंट में जुड़ेंगे मच्छिंद्र पाटिल सर भी निश्चित रूप से आने वाले रातों में और आज देखिए बात करेंगे 10 की लॉट्स और जिससे देखिए दो टीम सुपर 12 में पहुंचेगा लेकिन कौन सा टीम सेकेंड राउंड का जब मैच शुरू होगा वाइट का इजाफा ये चीज ध्यान रखना होगा सेकेंड राउंड का जो हाइस्ट स्कोर से जो टीम है 2 मैच जीत हासिल होगी और उसमें से एक टीम सीधा सुपर 12 में क्वालिफाई करके घर वापस जाएगा और जो टीम लो स्कोर से रहेगा वो टीम देखिए पहला राउंड का हाईएस्ट स्कोर वाले टीम से मुकाबला खेलेगा और पहला राउंड का देखिए हाईएस्ट स्कोर वो आखिरी मैच खेलेगा आज का रात का 8वां मुकाबला सीधा सुपर 24 में चला जाएगा टीम पहला गेंद के ऊपर छक्का आया उसके बाद वाइड उसके बाद डॉट गेंद फिर से वाइड फिर से डॉट गेंद यानी इरादा यहां से साफ है छक्का नहीं खाएंगे एक्स्ट्रा देना पसंद करेंगे दोनों बैटर देखिए थोड़ा आपस में बातचीत करते हुए सचिन कड़ू टीम के साथ जुड़ने के साथ कहीं अनुभव यहां पर शेयर करेंगे और शायद मुझे लगता है अनुभव के हिसाब से शायद बल्लेबाजी में भी थोड़ा ऊपर आ सकते हैं गेंदबाजी तो बड़ा एक ओवर इनका अच्छा खासा रहेगा अरुण क्रिकेट क्लब रोहिंजन टीम के लिए खेलते हैं जब गांव की टीम देखिए खेल रही है आज दूसरी एक टीम हम देखते हैं जयदुर्गा रोहिंजन टीम भी देखते हैं और एक बात करेंगे तीसरी टीम भी हम देखते हैं हमारे अच्छे दोस्त धीरज पाटिल तीसरा टीम और आज चौथा टीम भी देखिए और पहला विकेट विकेट गिरा है देखिए यहाँ पर पहला देखिए यहाँ पर 10 मिनट 2 ओवर के लिए 3 ओवर के लिए पहला 15 मिनट रहेगा ध्यान रखना होगा बैटर आपको तैयार रहना होगा आउट होने वाले बैटर जैसे बाहर निकलते हैं आपको 15 या 20 कदम अंदर होना चाहिए बहुत बढ़िया देखिए एकदम शांत वातावरण शांत माहौल और टूर्नामेंट का देखिए आज तीसरा रात चलता हुआ चलिए रोहिंजन के ऋतिक पाटिल इनकी तरफ से 2000 अगर शुभम लगातार 3 छक्के दागते हैं तो और ये देखिए भाई क्या आज दे बैठे यहाँ पर शुभम ने देखिए यहाँ पर इनाम आने के साथ साथ देखिए क्या दे बैठे ऋतिक पाटिल की तरफ से 2000 था 3 छक्के के लिए लेकिन शून्य पर आउट होते हुए शुभम पाटिल
अब हमारे राहुल जी उलवेकर देखिए बात करेंगे WTC लाइव, उनसे संपर्क करें। तो चलिए चलेंगे भाई स्कोर की तरफ, यहाँ पर स्कोर बोर्ड की बात करेंगे। 9 रन देखिए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, फुल लेन लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत पार है। सुजीत पाटिल का देखिए इशारा आता हुआ, वाइट का इजाफा देखिए एक्स्ट्रा से और एक रन छूटता हुआ यहाँ पर, एक एक रन देखिए स्कोर को ले जाएगा यहाँ से आपको एक अच्छी टोटल की तरफ 10 रन। लेकिन अभी तक देखिए बांध कर गेंदबाजी हो रही है, दो विकेट गवा चुके हैं। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, ओ ये कहां कर बैठे भाई, नो बॉल बहुत बड़ी बीमार देखिए और उसके साथ ही के छक्का आता हुआ। केन हाथों से फिसला भाई, नजरे हटी दुर्घटना घटी, पहला बीमार हो चुका है, सेकंड बीमार फिर काम तमाम। बहुत गेंदबाज देखिए इस सब चीज का शिकार बन चुके हैं और जब तक गेंद को रोक लिया जाता हो वेरी कोचिंग, तीसरे अंपायर की तरफ पहुंचे हैं लेकिन लगभग ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन देखते हैं कभी कभी बल्ला हवा में रहता है। एक ऐसा रनआउट दिया गया इस टूर्नामेंट में, बल्ला थोड़ा हवा में था लेकिन मुझे यहाँ से थोड़ा लगता है बहुत ज़्यादातर सुरक्षित देखते हैं स्लो मोशन में। चलिए इन्होंने बल्ला डाल दिए, बच गए बाल बाल, सिर्फ भी वही था बल्ला हवा में था या अंदर तो बल्ला आ चुका था लेकिन समय पर बल्ला लाइन पे टॉच होता हुआ। ओहो ये देखिए कड़क टाइमिंग भाई, लाजवाब भाई, यहां पर कहते हैं ना तलवार को देखकर उसकी धार की अंदाजा मत लीजिए भाई, तलवार की वार से उसका अंदाजा लीजिए। और रख से के बल्ले से और एक छक्का, प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया और इस ओवर में अक्षय ने गेम बदल दिया भाई। फिर से एक फुल लेन और इस बार देखिए गेंदबाज, वाह रे वाह, वही दैया मार डाला रे, मार डाला रे, मार डाला रे, मार डाला रे। देखते हैं कितना यहाँ पर सेफ है, जब रिव्यू है तो फिर तो चलिए नो बॉल और उसके साथ देखिए गेंदबाज बाहर हो जाएंगे, डाउटफुल
तो चलिए यहाँ पर गेंदबाज देखिए थोड़ा सा रिप्लेस किया गया, बीमर गेंद देखे तो बीमर के साथ साथ बाहर होते हुए नहीं, गेंदबाज आ चुके हैं। फ्रीट का गेंद था, ओ ये गलती होता है कभी। और विकेट किसका गिर गया भाई? अक्षय गाड़गे का विकेट। और घोट कैंप टीम तो कहेंगे भाई अच्छा हुआ हमारे गेंदबाज ने बीमर डाल के निकल गया और मौका मिला भाई। सुमित देखिए नहीं, बैटर की बात करेंगे और गेंदबाज की बात करेंगे। रोशन कदम देखिए भाई, विकल गेंदबाजी के तौर पर आए और उसके साथ देखिए और एक ओ बढ़िया फील्डिंग लेकिन मिस हो गई, चौका आता हुआ। ओवर कंप्लीट, 3 ओवर का खेल समाप्त, टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 36-36 रन। और तो चलिए एक गेंद यहाँ पर सुजीत देखिए, एक गेंद बचा है कि यहाँ पर पहला जो गेंदबाजी की थी, देखते हैं कितना गेंद यहाँ पर डाल लेते हैं, थोड़ा चेक कर लीजिए। यहाँ पर 2 नो बॉल हुआ था, एक वाइड गेंद था, 2 गेंद उन्होंने किए डाले थे, 4 गेंद हुआ स्कोर बता रहे हैं भाई, 2 बॉल बाकी है, थोड़ा चेक कीजिए स्कोर। पांच गेंद हुआ है, एक गेंद चलिए एक डॉट गेंद था, देखिए थोड़ा बात हो रहा है अंपायर से कितने गेंद देखते हैं। पहला देखिए वाइड था, उसके बाद नो बॉल पर छक्का आया और उसके बाद देखिए डबल रन आया, उसके बाद सिक्स आया और उसके बाद फिर से नो बॉल आया, छक्का आया और उसके बाद देखिए विकेट गिरा और डॉट चौका, यानी रोशन ने 3 गेंद डाले हैं और जो पहले गेंदबाज थे ना उनकी 2 गेंद थी और 2 छक्के पे नो बॉल था। अंपायर देखिए और एक वाइड गेंद था, 5 गेंद अभी तक मिल रही है। ओमकार ने 2 गेंद और जिसमें 2 बीमर था उनका, डीजे सागर देखिए रोइंजन इनकी तरफ से शुभकामना आता हुआ। चलिए धीरज पाटिल देखिए मैंने जिक्र किया, 2 दिन का टूर्नामेंट था और शुभकामना देखिए टीम को भेजते हुए, मैंने ये बात बताया कि रोइंजन में देखिए 4th टीम देखने को मिलता हुआ, धीरज ने देखिए उनकी भी टीम एक 3री टीम हमने
स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 40 रन तक पहुंच गए हैं, एक गेंद मिला यहाँ पर और जिसका बेनिफिट फायदा भी मिला यहाँ पर डीजे सागर रोहिंजन। देखिए स्कोर की बात कर लेंगे, यहाँ से 40 रन तक पहुँचे हैं, तो यहाँ पर दो ओवर अभी कंप्लीट हुआ क्योंकि यहाँ पर तीन गेंदबाज का इस्तेमाल हो चुका है और ये तीसरा ओवर देखिए चलता हुआ, हवा में है गेंद, मौका था भाई और मौके के ऊपर बहुत बढ़िया कैच लिया गया। अरे चलिए भाई बात करेंगे सचिन कड़ो, ये क्रिकेट से बल्ले से गेंद से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते हैं, चाहे ऑन फील्ड अंपायर हो, चाहे मैदान के ऊपर क्रिकेटर हो, चाहे कभी मैदान के बाहर दर्शक की भूमिका हो, लेकिन क्रिकेट से ये छोड़कर बिल्कुल एक समय के लिए जुदा नहीं रह सकते हैं। एक अनुभव खिलाड़ी को आज टीम में शामिल किया गया है और देखते हैं कितना बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा। सचिन कड़ू और ये देखिए भाई, सचिन कड़ू सर कहेंगे सुनील पाटिल सर आपके साथ मैंने दो रात अंपायरिंग किया फिर भी आपने मुझे आउट दे दिया लेकिन सुनील सर बताएंगे कि आप भी होते तो मेरे जगह आप भी वही करते थे, लाइन पे आए तो फिर आउट देना पड़ेगा ये गलत बात है भाई, अभी भी मैं रात में आपका साथ देने वाला हूँ, आपने मुझे आउट दे दिए नहीं। देखिए बात करेंगे रूल रेगुलेशन डिसीशन, ये क्रिकेट का बहुत कुछ बताता है। सचिन कड़ू देखिए उदासी चेहरा, लेकिन गेंदबाजी में ये जान डालेंगे, गेंदबाजी में ये जान डालेंगे। सचिन कड़ू सर देखिए आज बड़े खुश थे, डिनर के समय टीम के साथ जुड़ेंगे, बहुत बढ़िया। देखिए स्लोअर गेंद कर रहे हैं भाई कटर चेन, मंगेश पुरजी देखिए यहाँ पर चला रहे हैं अपनी मर्जी, मंगेश पुरजी फिर से तैयार और इस बार देखिए गेंद स्क्वायर लेग सीमारेखा की तरफ जाता हुआ, जब तक गेंद आ जाता तब तक देखिए और एक सिंगल के साथ है। स्ट्राइक देखिए यहाँ से रोटेट होता हुआ और टीम का स्कोर है 41 रन तक पहुंच गए हैं, बहुत बढ़िया। देखिए अजीबो गरीब अंदाज से और इस बार देखिए फुल लेंथ, देखिए फुल टच गेंद, तुन्ना तुन्ना, अरे गेंद कहां गया मुन्ना सरकार, गेंद गया रोहिंजन का मैसेज देने के लिए कि हम जीवित हैं शरण। यहाँ पर तीसरे अंपायर की फिर से मांग की गई है बिमर के लिए, यहां से बिमर के लिए देखिए बात करेंगे यहां पर, चलिए गेंदबाज सेफ है यहां से, बहुत साफ सुथरा डिसीजन था इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि रिबू सक्सेसफुल थी पिछली बार इसलिए इन्हें वापस रिबू मिला था और अभी रिबू गवा दिए और रख के भी क्या कर सकते हैं। और इस बार देखिए रिबू का इस्तेमाल किया लेकिन विश्वास नहीं, पिछला रिबू देखिए जो था सक्सेसफुल था, इसलिए तो कहा जाता है कि पहले इस्तेमाल करो बाद में विश्वास करो। स्कोर देखिए जाकर पहुँचा है 48 रन, कल धोनी ने
48 देखिए 48 रन बनाए। कल धोनी ने देखिए बात करेंगे एक रिव्यू लिए कैच आउट के लिए, मैच तभी हम देख रहे थे तभी अंपायर का नट आउट डिसीजन था, लेकिन धोनी के ऊपर इतना विश्वास था हमें भी लगा था कि ये कहीं ना कहीं बल्ला को छोकर गया होगा, और इसलिए कहा जाता है DRS धोनी रिव्यू सिस्टम। और अभी भी देखिए धोनी की कप्तानी देखिए और फिनिश देखिए उनके, अभी भी देखिए वो बता रहे हैं साबित कर रहे हैं कितना उनके अंदर क्रिकेट जीवित है, और कप्तान देखिए ऋतुराज गायकवाड़ देखिए एकदम से चेन्नई सुपर किंग में गए चमकते हुए, जो खिलाड़ी को पकड़ लेते हैं भाई वो चमक जाता है। तुषार देशपांडे देखिए कितना अच्छा गेंदबाज बनता हुआ चेन्नई सुपर किंग में, देखिए खिलाड़ी ने राजस्थान रॉयल के लिए भी खेला था तुषार देशपांडे, लेकिन उतना किफायती नहीं आज चेन्नई सुपर किंग में। आकाश दादा गोंदरी देखिए बात करेंगे, आकाश दादा गोंदरी कहा जाए तो पूरी टूर्नामेंट के लिए देखिए जो चेंडू गेंद उनकी तरफ से पूरी बॉक्स मिला है, जितने भी कंटेनर उसका इंतजाम करके दे रहे हैं, और उसके साथ देखिए बुम बुम नाम से पहचाने जाते हैं खेलने के। कल्पेश गोंदरी आपका भी स्वागत है, टीम को सपोर्ट करने के लिए आ चुके हैं और टीम सेकेंड राउंड का मुकाबला खेलने के लिए तैयार हो चुका होगा, और शायद मुझे लगता है खेरने टीम लगभग देखिए बेलपाड़ा टीम जिस हिसाब से अभी स्कोर बनाकर जीत कर हासिल पहुंचा है, तो यहां से जीतने वाली टीम शायद खेरने के साथ है मुकाबला हो जाएगा अगर बेलपाड़ा टीम क्वालिफाई कर जाती है हाईस्ट स्कोर से, और पहला मैच हो जाएगा फिर गौतम इलेवन सुवाउन जी और गौतम इलेवन पिसारवे के बीच में। चलिए क्या पिसारवे टीम के कप्तान सर गौतम इलेवन से वाउंजे टीम के कप्तान आपको टच बॉक्स पर आना होगा सेकंड राउंड 3 ओवर, पहला रात भी देखिए 10 की लॉट सेकंड राउंड 3 ओवर, आगे का देखिए जो भी 3 मैच रहेगा ना वो 3 ओवर का मैच रहेगा। और बड़ा अच्छा गेम लाजवाब और स्कोर की बात कर लेंगे 48 रन तक पहुंचे हैं देखिए 48 वाइड का इजाफा देखिए और गेंदबाज देखिए फिर से एक बार तैयार छोटे रनअप के साथ है। और एक देखिए गेंद यहां से निकलता हुआ स्कोर देखिए 50 रन तक पहुंचती हुई टीम अर्धशतक देखिए खुश रहेंगे, यहां से टॉस हारे थे और पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हुई जो रनआउट अक्षय घाटगे का था, वो बहुत बड़ी गलती थी जिस रिजम से बल्लेबाजी कर रहे थे ना, और उसके बाद घुटकेम टीम ने मैच में वापसी किया। इस बार देखिएगा गेंद थोड़ा सा रुका आउट फील्ड से गेंद को रोका गया लेकिन तब तक दोनों बैटर सेकेंड रन कंप्लीट करते हुए, कोई बात नहीं गलतियों को भूल जाइए सबक को याद रखिए, तालाब में जब पानी भरता है ना पहले मछलियां चींटी को खाती है वापस जब पानी सूखता है फिर चींटी मछली को खाती है, मौका सभी को मिलता है बस उस मौके का इंतजार करना चाहिए, कहती ना किस्मत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा और जो जितना बेहतर मेहनत करेगा और उसको उसका मेहनत का रिजल्ट फल उतना मिलेगा। ओ हो ये देखिए गजब की टाइमिंग कटआउट को सीधा देखिए तरह से अभी रोहिंजन टीम की डगआउट से तालियां बज रही है, इसलिए तो बताया भाई धोनी के जैसे फिनिश आज तक किसी ने किया है ना करेगा, लेकिन आज रिंकू सिंह लेकिन ये कभी कभी होता है 5 छक्के दागे भाई 30 रन हासिल कर लिए थे 6 गेंद में जरूरत था, एक अच्छा फिनिश करके निकले भाई
सिद्धू मात्रे देखे भाई, सिद्धू नाम आती है तो मुझे सर नवजीत सिंह सिद्धू देखे इनकी याद आ जाती है, क्योंकि अगर आज सिद्धू पाजी ना अंतर्राष्ट्रीय में ना आईपीएल में थोड़ा उनकी कॉमेडी रहती ना शेरो शायरी रहती ना आज बाबू शाह जैसे कॉमेडेटर टेनिस क्रिकेट में शेरो शायरी के नाम से पहचाने जाते। प्रकाश सर आजकल देखिए अंतर्राष्ट्रीय को हर चीज़ फॉलो किया जाता है। चलिए टॉस के लिए देखिए पहले भी हमने जिक्र किया था, यहाँ पर दोनों यहाँ पर कप्तान आ चुके हैं। हेलो राकेश दत्ता नेरुलकर से गुजारिश करना चाहूंगा उनके सुबातों से टॉस किया जाएगा। चलिए गाउदब इलेवन सुहांजे टीम के कप्तान अभी तक आए नहीं भाई, कहीं इनके दिमाग में ये ना सेट हो गई कि हाईस्ट स्कोर से हमें भाई मिला है, कहीं ये सोच में ना घर चले गए डिनर के लिए, कहीं पार्टियाँ में नहीं बट गए ज़्यादा समय, क्योंकि बेलपाड़ा टीम ने अलर्ट फिर कर दिया और लगभग देखिए बेलपाड़ा टीम यहाँ से क्वालिफाई कर गई, क्योंकि स्कोर देखिए यहाँ से 59 कल्पेश बुम बुम कल्पेश गुंदले देखिए और आकाश दादा गुंदले देखिए इस टूर्नामेंट के लिए पूरे गेंद की बॉक्स देखिए बॉल। और चलिए भाई गाँव देवी इलेवन से वाउंजे टीम के कप्तान आपको यहाँ से पहला मैच खेलना पड़ेगा सेकंड राउंड का, और जहाँ देखिए तेजी शायद तैयार थे भाई, लगा था कि टीम 64 रन बनाया था हाइस्ट स्कोर से क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन सर रिकॉर्ड है क्वालिफाई करने वाली टीम भी चेतनेश्वर खुतारी टीम उस दिन बाहर हो गई, लंबा ब्रेक मिला। टॉच का बॉस 3 ओवर की मैच है तेजेश और जो नियम है वो रहेगी कंटिन्यू। तीन ओवर का मैच है क्योंकि समय पर टीम नहीं आकर पहुंच पा रहे राकेश दादा, अगर मैच 7 या 7:30 बजे शुरू होता तो फिर पहले राउंड 5 ओवर से लेकर सेकंड राउंड 4 ओवर खिला सकते थे, लेकिन मैच 8 के बाद शुरू हो रही है, शादी हल्दी बहुत चीज़ें चल रही हैं जिसके कारण यहाँ पर रोशन दादा अंग्रे और उनके साथ साथ देखिए बात करेंगे। उत्तम सेठ बोल जरूरत आ गई आपकी मंच पर आइए, और इसके बाद देखिए 3 मैचेस खेला जाएगा सेकेंड राउंड का, और बेलपाड़ा टीम देखिए आखिरी मैच खेलेगा, जो तीसरा मैच रहेगा सेकेंड राउंड का वो मैच बेलपाड़ा रहेगा, और आगे का जो 2 मैच रहेगा भाई ध्यान रखना होगा वहाँ से भी एक टीम सुपर 12 में पहुँचेगी हाईएस्ट स्कोर से। आगे का जो 2 मैच रहेगा पिसारवे औंजे के बीच में और उसके बाद देखिए खेरने और यहाँ से जीतने वाली टीम के बीच में रहेगा, वो 2 मैच में जो टीम हाईएस्ट स्कोर से मुकाबला जीतेगी वो सीधा घर को चली जाएगी सुपर 12 में पहुँचने के साथ साथ, और जो टीम लो स्कोर से रह जाएगी वो इन टीम और उस टीम को बेलपाड़ा टीम के साथ आखिरी मैच खेलना होगा। इस सब नियमों से आजकल सब वाकिफ हो चुके हैं राहुल जी बात करेंगे, क्योंकि इस साल रायगढ़ में बहुत सारा टूर्नामेंट खिलाया जा रहा है हाईएस्ट स्कोर 10 की लॉट्स, ज़्यादातर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और संदेश जी नेवरलकर आइए स्कोरिंग पर हमारे साथ इस वक्त देते हुए, सिद्धेश जी भोईर बड़ी लंबी समय से स्कोर 59 बनाए हैं, 60 रनों की जरूरत है, और देखते हैं कोर्ट कैम टीम में क्या ये 60 रन बना पाएंगे। साई इलेवन देखिए बात करेंगे, नवीन उसद्र देखिए रोइंजन टीम है, एक नई देखिए एक नाम जोड़ रही है रोइंजन के गांव में रोइंजन के टीम में, और मैंने जिक्र किया भाई इस टूर्नामेंट में कुछ आखिरी रातों में
जो जोड़ी देखे ये वन जोड़ी कॉमेंटेटर के रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप पाटिल सर, मचिंदर पाटिल सर देखे, इनके 7 महीने 2013 में पहली मरतबा कॉमेंट्री की शुरुआत किया था, लेकिन आज भी देखिए उनका बहुत बड़ा अच्छा साथ मिलता हुआ। और वही रोइंजन टीम देखिए उस गांव से, और आज देखिए इरादा कुछ साफ है, इरादा पक्का है, और दिया है पहला धक्का। देखिए यहां पर घोटकेम टीम को यहां पर 60 का पीछे करने उतरे हैं, लेकिन पहला विकेट। क्या बढ़िया, देखिए यहाँ से कैच लिया गया सचिन कड़ू। देखिए भाई यहाँ पर बहुत जाल बिछा रहे हैं, अनुभव एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। 27 रनों का इनिंग्स रहा यहाँ पर अक्षय गाड़गे का, देखिए रनआउट हुए, लेकिन यहाँ पर मंगेशपुर जी नहीं चली भाई इनकी मर्जी। अंतिम ओवर में मंगेशपुर जी ने 8 रन खर्च किए थे, लेकिन बल्लेबाजी में नहीं चली मंगेशपुर जी की यहां पर मर्जी। गेंदबाज में थे देखिए भाई, बात कर लेंगे यहां पर पवन गायकवाड़ देखिए, और पवन देखते हैं और कितना लेकर आएंगे पवन। A1 पवन एक देखते हैं घोरसाई के, और ये पवन देखिए, और ये चलिए हुक करना चाहते थे यहां पर, फील्डर पहुंचे और दूसरा कैच। पवन गायकवाड़ देखिए बैक टू बैक दो सफलता दिलाते हुए, कहते हैं ना सेनापति को गिरा दो सेना अपने आप गिर जाएंगे, और यहां पर लगातार दूसरा विकेट गिरता हुआ। बहुत बढ़िया, देखिए कमाल का कैच लेते हुए यहां पर आकाश सालूं के देखे थे फील्डर भाई। आसमान भी देखिए बढ़िया साफ है, और पहली रात टूर्नामेंट की शुरुआत मौसम ने ली थी थोड़ी सी खलल, कुछ समय के लिए दिल में धक-धक बढ़ा दी थी, धड़कने बूंदा बांधी हुई थी, लेकिन मुझे लगता है ओ हैट्रिक विकेट। मामा ठाकुर अरुण भी गए और सपना भी भाग गई, अब शंकर बिहारी किसके साथ गाना गाएगा, डीजे वाले के साथ ठोक डीजे। तीन विकेट हैट्रिक विकेट भाई, ओहो मामा ठाकुर अरुण भी गए और सफुणा, अब ये बात भाई दिल्ली तक जाएगी। हाँ थोड़ा एकनाथ माली सर का लगाइए कवाली फवाली भाई, रात देखिए 12 के ऊपर हो चुके हैं, भलाई ठंडी का महीना नहीं है, लेकिन फिर भी जो दर्शक हैं मजा ही होना चाहिए एंटरटेनमेंट रात 12 बजे के बाद। और ये चलिए भाई 3 चौके लगने के बाद बात अब दिल्ली तक पहुंच रही है चौके के साथ। लाजवाब देखिए, कहते ना सफल होने के लिए भलाई जेब में गांधी का नोट ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए, और ओमकार उतरे हैं मैदान के पर और कदम रख चुके हैं भाई, क्या ओमकार का होगा जयजयकार। एक ओमकार पाटिल देखे 360 मुरबी, जब भी ओमकार नाम कोई खिलाड़ी आते हैं तो वो चेहरा सामने आ जाता है, न जाने कितना इतिहास रचा है, और क्या कप्तानी क्या ओपनिंग बल्लेबाजी हुआ करती थी। एक समय देखिए बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया टीम से उस नाम को जोड़ा जाता था, लेकिन कहते हैं ना वक्त वक्त की बात रहती है,
आज वक्त बदल चुका है, जमाना बदल चुका है और क्रिकेट भी दिन बे दिन बदलते जा रहे हैं। ओ ये देखिए, ताकत नहीं नजाकत, अकलबंदी की काम इसे कहते हैं। रोशन कदम देखिए भाई, बात करेंगे, ये तो लगभग 50 के करीब उम्र, देखिए यही तो बात बताया कि बहुत बढ़िया। देखिए अकलमंद से काम लिए उन्होंने बल्लेबाजी, बता देता है एक्सपीरियंस ही आपका अनुभव भी आपको बेहतर काम कर सकता है, इसलिए हर टीम में अनुभव खिलाड़ी 2 से 3 होना बहुत ज़रूरी रहता है, फिर आप युवा खिलाड़ी को लेकर चल सकते हो। पूरा युवा खिलाड़ी को आप छोड़ दिए ना, एकदम से शायद 1-2 ट्रॉफी चिटका सकते हैं, पर एकदम से एक हार के बाद टीम में तोड़फोड़ शुरुआत हो जाती है, इसलिए अनुभव खिलाड़ी टीम में रहना बहुत ज़रूरी है। शायद आने वाला कल की रात है, आने वाला छठा रात देखिए 12 अप्रैल BRCC टीम यहाँ पर देखेगी, कई अनुभव कई युवा की टीम के साथ है। BRCC पेंदर टीम देखिए भाई, उस समय देखिए ये टीम मुरबी टीम नाउडा टीम, इनका दबदबा एक मजबूत है, इस नाम से सामने वाले टीम कांपते थे भाई। और इन टीम का जब आमना सामना होता था तलोजे नाइट पेंदर नाइट में, खूब मजा आता था। और उस समय देखे ये वन कमेंटेटर्स मचेंद्र पाटिल सर, संदीप पाटिल सर, और रातों में इनकी आवाज़ और इनकी कमेंट्री इस टेनिस क्रिकेट के हंगामा को बड़ी जोर दी थी भाई। लेग बाई से ग्रंथ आज देखिए हमारे जैसे कमेंटेटर उभर कर आए, सुप्ला सर, दशरथ पाटिल सर, आज बहुत देखिए आधुनिक जमाना हो चुका है, उभर कर आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट थोड़ा चलता हुआ, लेकिन कहते हैं ना लेजेंड ही लेजेंड रहते हैं भाई। सचिन रमेश तेंदुलकर एक ही बार आए, 9 सेकेंड बार, कितने भी खिलाड़ी आ जाइए कितनी भी रन बना रहे हैं, लेकिन फिर भी क्रिकेट के गॉड ग्रेट न जाने उस समय देखिए रिव्यू नहीं था सिस्टम, और कितनी बार उन्होंने 90 और 100 के अंदर आउट हुए गलत डिसीजन। और सोचिए उस समय का विकेट जहाँ पर वनडे में 200 रन बन गए तो हाइस्ट स्कोर, आज 400 के ऊपर भी रन बन रहा है, अगर वो विकेट रहता तो फिर 70 का आउट दादा कितना रहता, ये 100 शतक नहीं 150 के ऊपर होता था। मैंने पहले भी ये बारे में बता चुका था, आज तो बैटिंग के लिए विकेट बनाया जाता है भाई। और उसके बावजूद भी देखिए विराट कोहली अच्छे खिलाड़ी, उस जमाने के गेंदबाज भी क्या हुआ करते थे, लंबे कट 6.5-7 फुट का हाइट के गेंदबाज, होल्डिंग वॉल्स जैसे गेंदबाज वेस्ट इंडीज में तूफानी। तभी मैंने भी मेरे पिताजी के साथ बैठकर थोड़ा टीवी पे देखा करता था, अनिल डोनाल्ड अफ्रीका के शोएब अख्तर जैसे गेंदबाज, और ये भाई बात कर लेंगे, और एक डॉट गेंद निकलता हुआ, और स्कोर की बात करेंगे देखिए निराश कर रहा है पूरा, सेकेंड ओवर चल रहा है 7 रन, गोट कैंप टीम देखिए भाई बात करेंगे, शायद खुद के ऊपर कैंप डाल लिए हैं, यहाँ से लिया था किनारा सचिन कड़ू, देखिए भाई भाई अभी भी इस उम्र में बता रहे हैं मैं छोकरा जवान रे, सचिन कड़ू सर। कैसा क्रिकेट जमाना बदलता हुआ, अब वक्त दादा देखिए एक वक्त देखिए, आज DJ भी बहुत सारा देखिए, हर DJ अपने अंदाज में, मैंने ये बात कहा पेंदर में अच्छी बात है नाइट वापस से यहाँ पर देखने को मिलता हुआ, और गेंदबाज देखिए फिर से एक बार तैयार, और एक देखिए यहाँ से अच्छा ओवर यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ, सुजीत पाटिल ने कंप्लीट किए, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 2 ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए 7 रन एक निराश कर रहा है स्कोर बोर्ड। और अभी देखिए बात करेंगे
12 गेंद और जीत की बात करेंगे 53 की जरूरत है। थोड़ा कल की हम लॉट्स की तरह भी थोड़ा जिक्र करेंगे। तरफा मोड़ ले चुकी है लेकिन पूरी तरह से तो नहीं कह सकते एक तरफा। आने वाला देखिए बात करेंगे, टूर्नामेंट की देखिए बात करेंगे, फाइनल नाइट आपको 13 अप्रैल और 12 अप्रैल तक देखिए चलता रहेगा। हर टीम देखिए सुपर 12 में सुपर 6 के लिए पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे और मुझे लगता है 8 का लॉट्स आने वाला देखिए 11 अप्रैल को आपको दिखेगा फिर से एक बार, उस दिन फिर से एक टीम सुपर 6 में पहुँच जाएगी। लेकिन आने वाला कल देखिए 10 अप्रैल थोड़ा मैच अभी तक एक तरफा चलता हुआ और कल देखिए पहला मैच होगा भाई अपरा सर्विस एंड अरे 11 देखिए कपूरली टीम होगी और जिस टीम के सामने देखिए बात करेंगे अपरा संग्राम 11 नितलेश टीम और उसके बाद देखिए देवत 11 देवत टीम होगी और सामने देखिए रिटगर 11 रिटगर टीम। डीजे थोड़ा सा रुकना चाहूँगा और उसके साथ देखिए बात करेंगे जीसीसी पिंदर यानी गाँव देवी पिंदर टीम होगी और उस टीम के सामने देखिए भाई बात करेंगे गाँव देवी 11 देवा टीम और चौथा मुकाबला रहेगा सुरभि 11 पड़गे हरिग्राम 11 हरिग्राम और उसके साथ साथ देखिए बात करेंगे जो आखिरी मुकाबला होगा जय हनुमान 11 तेंबोड़े और वागाची वाड़ी टीम। देखिए ये टीम कल रहेगा, देखिए कई स्थानीय टीम है कल, कल कई मेहमान टीम है, कल एक घर की टीम है जीसीसी पेंदर और आने वाला 12 अप्रैल को देखने को मिलेगा आपको बीआरसीसी पेंदर। दोनों टीम यहाँ से आपको दिखेंगी घर की टीम और उसके साथ कई मेहमान टीम भी और आने वाला 11 को जो लॉट्स है 8 की लॉट्स है और उस दिन एक टीम सुपर 6 में जाएगी जहां पर खान ब्रदर्स मताड़ू सेठ गाँव देवी वलोली टीम और उस टीम के सामने देखे सम 11 श्री गणेश कृपा दीवा टीम और सांगड़े 11 सांगड़े उस टीम के सामने देखे भैरवनाथ 11 धुतुम टीम रहेगी और युग 11 हर्षाली जय दुर्गा मुरबी टीम और उस टीम के सामने देखे वर्चे वोले स्वर्ष 11 से चिंचपड़ा और उस टीम के सामने देखे भाई बात करेंगे रिचि प्रतिष्ठान देसाई मिस यू रिचि मात्रे। बहुत बड़ा देखे रिचि मात्रे का भी भूमिका है ठाणे डंबोली में पहली मरतबा चौका आया है लेकिन फिर भी देखिए कहते ना दिल्ली बहुत दूर अभी है बीमार के लिए यहाँ पर सर आहोक नेरुलकर देखिए यहाँ पर जुड़ जाएंगे तीसरे अंपायर के रूप में। बड़ा भूमिका इनका देखिए आज जगह टीम में देखिए इन्होंने मेन अंपायर थर्ड अंपायर एक लेजेंड खिलाड़ी एक आसिक बनता है इसके से एक लेजेंड बनता है रिस्क से। नो बॉल फ्री रहेगा यहाँ से तो देखते हैं यहाँ पर बेनिफिट फायदा कितना मिलेगा नो बॉल का। नहीं बहुत दूर रह गए बहुत दूर रह गए बहुत दूर रह गए फ्रीट लगा रहेगा और वाइट से ये रन आता रहेगा। बहुत देखिए मंचिल इतना बड़ा नहीं था लेकिन टारगेट जिस तरह से सेट हुआ था शुरुआत अच्छा नहीं हुआ जैसे कहते हैं ना सितारों से क्या गवारा करे जब वो चांद ना हमारा हुआ और उसी तरह से निचले क्रम के बल्लेबाज से उम्मीद क्या करे जब शुरुआत अच्छा ना हुआ। अगर शुरुआत में कुछ रन अच्छा आ जाता फिर अंत जगह लस्सी देखिए सिंगदाना मूंगफली फेमस शरबत अब्दुल चाचा देखिए और उसके साथ हमारे आम्बो देखिए वो भी खाओ गुटका फोड़ो मटका बिमल के साथ और नंदू साकरी साहब देखिए देख सकते हैं स्वादिष्ट ओड़ा पाव अंडा पाव और उसके साथ साथ देखिए सामने चाइनीज सेंटर
मचा लेते रहिए। और बाकी की चीज़ तो भाई होम डिलीवरी होती रहती है, आप कहीं भी रहिए। स्कोर की बात कर लेंगे। स्कोर देखिए 21 रन तक पहुंच गई है और जमाई राजा उत्तम सेठ भूर देखिए यहाँ पर थोड़ा लंबा ब्रेक से दिखाई नहीं दे रहे हैं। उत्तम सेठ भूर मुझे लगता है अब समय हो चुका है, आएंगे तस्वीर रखेंगे वो। और 3 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ है, मौका मैच देखिए 21 के ऊपर रुका है। और रंजन टीम आप समय आप मत लीजिए क्योंकि बहुत आप करीब हो जीत के, एक औपचारिकता कह सकते हैं, लेकिन अभी तो ये नहीं कहेंगे मैच हार गए, लेकिन हार के कगार पर हैं। चलेंगे डीजे के पास, मौका एक उनके पास एक अच्छा है। सचिन गड़ू सर चलिए फील्ड खोलिए। हाँ बहुत बढ़िया, देखिए रंग लाता हुआ ये टूर्नामेंट है। मंगेश दादा नेरुलकर देखिए कम उम्र में देखिए एक कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, आज राजनीति की दुनिया से लेकर रहे हैं। रायगढ़ जिला पनवेल राष्ट्रवादी अध्यक्ष चुने गए युवा नेता। और ये चलिए भाई यहाँ पर पहला रन दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मैच में अब औपचारिक था। सचिन कड़ू देखिए एक फिरकी के जादूगर, गोट कैंप टीम देखिए इन्हें हार से ना गम है ना जीत से गम है, ये डगआउट खुशियां हैं, वो जानते हैं नाइट मैच है कि इसका एंजॉय लेना बहुत जरूरी है, किस्मत को नहीं थी मंजूर, लेकिन अच्छा है इनके बल्लेबाजों को बहुत सारे मौका मिला बल्लेबाजी करने का, भलाई मैच जीत के करीब नहीं जा सके लेकिन जो बल्लेबाजी लाइन बने ये लंबा बन गया। अभी देखिए गेंद रह गया भाई, 3 गेंद 38 की जरूरत है, एक तरफा होता रहता है। जब बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय में लगातार 23 मैच हारा था तो वो भी उम्मीद नहीं छोड़ा था, 24 मुकाबला जीतकर नागिन नागिन डांस किया था, तो ग्रामीण में 2-3 मुकाबला हार हो गई तो चर्चा होती है, लेकिन आप चर्चा मत सुनिए, दुनिया कुछ भी कहते रहेंगे आपको हर हाल में। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा कहते थे कि खुद की सुनिए दूसरे का मत सुनिए, अगर धोनी याद दूसरे का सुनते तो खड़गपुर स्टेशन पर टिकट चेक करते, तो इसलिए टीम को हार जीत होता रहता है। वाइट देखिए यहाँ पर, तो टीम हार जीत से कुछ नहीं होता है, बस जब उंगली में नाखून बढ़ती है तो हम नाखून को काटते हैं उंगलियों को नहीं, जब टीम में हार जीत होती है तो बस उसे कंप्लीट करना है हमें, लेकिन ज़्यादा कुछ चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं। गुड कैम टीम कोई बात नहीं, आपने अच्छा भाग लिया यहाँ पर, पहला आपने जान डाल दिए थे मैच में, सेकंड करके दोनों टीम को निकलना होगा यहाँ पर, दिल मिलेगी। जमाई राजा देखिए अभी आवाज़ में दे रहा था तशरीफ रखते हुए, तो चलिए इस मैच के चलेंगे मैन ऑफ द मैच। ना हम अमिताभ, ना हम दिलीप कुमार, ना हम किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय 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 गाड़गे। 27 रन इस मैच के मैन ऑफ द मैच।